उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दलों की नज़र चौथे चरण पे है। जिन जिलों में चौथे चरण का चुनाव होना है वहां आज शाम प्रचार प्रसार थम जाएगा, जिस वजह से प्रचार के आखिरी दिन तक सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। जहां बांदा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार करने पहुंचे और यहां उन्होंने दावा किया है कि इस चुनाव में सपा को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी और उन्होंने कहा कि इस बार की लहर बताती है कि बुंदेलखंड में कमल ही खिलने वाला है। अखिलेश जी 7 चरणों के बाद भी 100 भी नहीं पार कर पाएंगे और 10 मार्च को उनका बयान होगा कि ईवीएम बेवफा है। इस बयान का पलटवार करते हुए हरदोई में प्रचार कर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि गौशालाएं जो बनी थी उनमें भूखी गाय मर रही हैं। बाबा जी तो बता रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे, किसानों की मदद करेंगे, वह अपने प्रिय जानवर का भी ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। यह चुनाव सरकार बनाने का है, मुकाबला सीधे भाजपा और जनता का है।